हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक कंप्लीटली वॉच करना। एंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें पास होने के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ, तो पहले वो सुन लो। इस सब्जेक्ट में टोटल 5 चैप्टर है, तो सभी चैप्टर्स में से ऑन एन एवरेज 15-20 मार्क्स का तो निकल कर आना ही वाला है। तो आपको जो भी चैप्टर अच्छा लगता है वो फुल्ली 100% प्रिपेयर करना, आधे अधूरे चैप्टर मत करना। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है DC सर्किट, उसमें से मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी JTU अपने एक्सटर्नल एग्जाम में ज़्यादा टाइम पूछती है वो मैंने लिए है। और एक बात का ध्यान रखना कि वो अपनी एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी रख सकती है। तो यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चंस ऐसे भी है जिसकी दो दो क्वेश्चंस एक के और में एक दिया है लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो एक बार शांति से रीड कर लेना, पेशेंस से रीड कर लेना, ठीक है। और जो भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है, और जितना सम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है थियरी है वो आप उसके रिलेटेड सम 3-4 ज़्यादा सॉल्व करके जाना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पर जो सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है AC सर्किट, उसमें से जितने भी कंपैरिजन है वो प्रिपेयर कर ही लेना, क्योंकि 4 मार्क्स का कंपैरिजन भी पूछते हैं वो लोग। तो कंपैरिजन का क्वेश्चन कोई निकले तो आपको दिक्कत ना हो। जो ट्रांसफार्मर 3rd नंबर का चैप्टर है उसमें कंपैरिजन तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं 3-4 मार्क्स में, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लेना। बाकी यहाँ पर जितने भी मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो आपको सभी प्रिपेयर करने ही करने हैं। और आपको इसके अलावा भी कोई लगता है कि क्वेश्चन विशाल भैया से कोई छूट गया था क्वेश्चन और आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप अपनी ओर से भी देख लेना। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, तो वो भी इजीली इस सब्जेक्ट में पास हो सके। और जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, उसमें से वो लोग फ्यूज एंड MCB के रिगार्डिंग, जो स्विचेस होती है उसके रिगार्डिंग, अर्थिंग के रिगार्डिंग ज़्यादातर क्वेश्चंस निकालते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है वो ज़्यादातर रिपीट होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 4 क्वेश्चन पर फोकस ज़्यादा रखना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड जो क्वेश्चन नंबर 8 है उस पर, ठीक है। आई होप गाइस कि मैंने जो आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस दी वो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।